नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट से डरा मलेरिया, 5 वर्ष में 90% कम हुए आंकड़े। जागरूकता और सफाई को बताई जा रही है बड़ी पहल। अज्ञात कारणों से युवक की मौत, लालबरा की अमोली समनापुर मार्ग की घटना। हलवा समाज के अधिवेशन में उठी आवाज, आदिवासी समाज से बाहर निकालने पर हुआ विरोध और मंथन। रबी फसल से पूर्व किसानों के लिए अच्छी खबर, जलाशयों में भरपूर पानी, दूर होगा सिंचाई का संकट। पुलिस चेकिंग से बचने बदला रूट, छोटे पुल से नीचे गिरा मोटरसाइकिल चालक। जिला क्षत्रिय कलचुरी समाज के द्वारा किया गया सहस्त्र बाहु द्वार का लोकार्पण। गांगुलपारा जलाशय पर्यटन स्थल में सुविधाओं के लिए तारीख की घोषणा, नहीं हो रहा है अमल। और दुष्कर्म पीड़ित बालिका से बालाघाट विधायक ने की मुलाकात, आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की कही बात। अब समाचार विस्तार से। लालबरा नगर मुख्यालय से होकर गुजरे लालबरा समनापुर राज्य मार्ग क्रमांक 48 में 8 दिसंबर को अल सुबह 4:30 बजे ग्राम पंचायत अमोली निवासी 35 वर्षीय कृषक जयसिंह पिता हरकलाल मानेश्वर का शव मिलने से पूरे ग्राम में चर्चाओं का माहौल व्याप्त हो गया है। गांव के पास शव मिलने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण जन एकत्रित हो गए, जिसके पश्चात मृतक के भाई परम मानेश्वर से मामले की सूचना मिलते ही उप निरीक्षक संदीप सिंह मंगोलिया व सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा शव की जांच की गई एवं पंचनामा कार्रवाई के उपरांत शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पद्मेश न्यूज से चर्चा में मृतक कृषक जयसिंह के भाई देवेंद्र मानेश्वर ने बताया कि 7 दिसंबर को उनके घर में पुत्र का मूल का कार्यक्रम था, जो देर रात्रि 12 बजे तक चलता रहा। इस कार्यक्रम में मृतक जयसिंह मानेश्वर भी मौजूद था। कृषक जयसिंह मानेश्वर अधिया में श्री शर्मा की खेती करता है, जहाँ चना की फसल लगी हुई है। रात 12:30 बजे जयसिंह ने अपनी पत्नी सुनीता मानेश्वर को बताया कि वह खेत में पानी की मोटर चालू करने के लिए जा रहा है, जिसके पश्चात जब रात्रि 3:30 बजे तक जयसिंह वापस घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने जाकर देखा तो राइस मिल के पास सड़क पर लहूलुहान अवस्था में कृषक जयसिंह का शव पड़ा हुआ था। घटना की पुलिस को सूचना दी गई। कैसी क्या घटना घटी? रात में 12:30 के बीच में पानी चलाने आया, पानी चालू था खेत में, पानी देखने आया। अब उसके बाद 3:00 बजे रात को फिर हमारा भाभी उठाई, भाभी बोलती है जाओ भैया नहीं आया देख के आओ, ऐसा ही कि कल काम था, कल मूल का कार्यक्रम था हमारा, तो 3:00 बजे रात को आके देखे थे यहाँ पे पड़ा था। चर्चा में जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक श्री चौधरी ने बताया कि मृतक के गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं थी एवं वह मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि 7 व 8 दिसंबर की दरमियानी रात्रि में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मृत्यु हो गई होगी। फिलहाल इस मामले में मर्ग कायम कर जाँच प्रारंभ कर दी गई। बालाघाट से मलेरिया डर गया है, यह हम नहीं जिला मलेरिया विभाग की रिपोर्ट कह रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2015 की तुलना में 2019 में मलेरिया 90% तक कम हो गया है। इसके पीछे बड़ी वजह जागरूकता और मलेरिया विभाग अपने मैदानी स्तर पर कार्य को बता रहा है। वर्ष 2000 के दशक में जब जिले के भीतर कोई भी बुखार होता तो लोग बड़े सहजता से कहते कि शायद मलेरिया हुआ है, और यह बात सच भी साबित हो जाती थी। लेकिन लगातार लोगों की जागरूकता और मलेरिया विभाग अपनी पीठ थपथपाते हुए अपने मैदानी स्तर के काम को मलेरिया पर बड़ी रोकथाम का नतीजा बता रहा है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में कुल 2,70,000 लोगों के खून की जांच की गई, जिसमें 4,900 को मलेरिया बुखार निकला। हालांकि आज भी किसी भी बुखार होने पर सबसे पहले मलेरिया की जांच की जाती, जिससे जांच के आंकड़ों में लगातार कमी तो नहीं आई, लेकिन मलेरिया के आंकड़ों में कमी आती गई। नतीजा वर्ष 2016 में 2,83,000 लोगों के खूनों की जांच हुई, 3,000 को मलेरिया बुखार निकला।
2017 में 1400 लोगों को, 2018 में 300 लोगों को और 2019 में यह आंकड़ा एक सैकड़ा तक पहुंच गया है। मलेरिया बुखार के आंकड़ों में कमी निश्चित ही। मध्य प्रदेश में बदनामी झेल रहे बालाघाट जिले के स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये आंकड़े पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे ज्यादा भयावह हो चुके थे। वर्तमान वर्ष में जिले के भीतर हुई झमाझम बारिश का नतीजा दिसंबर महीने में जिले के अधिकांश जलाशय 70 से 80% तक भरे हुए है। नतीजा आगामी दिनों में रबी के सीजन के लिए सभी जलाशयों से भरपूर पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के सभी छोटे और बड़े तालाब में इस समय बेहतर जलस्तर है। सर्राटी जलाशय में 71%, मुरुम नाला में 70%, जवार पानी में 70% और गांगुल पारा में 90% जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह लांजी तहसील के सभी 37 जलाशयों में 70 से 80% तक पानी भरा हुआ है, जिसमें खराड़ी जलाशय में 100% पानी भरा हुआ है। इसी तरह जिले के एक सैकड़ा से अधिक माइनर तालाबों में भी जल भराव की बेहतर स्थिति है। सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष रबी के सीजन में गेहूं, चना, धान के लिए मांग के अनुसार सिंचाई के लिए पर्याप्त जल प्रदाय किया जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा जिले के 33 उप स्वास्थ्य केंद्र को वेलनेस सेंटर के रूप में अपडेट कर दिया गया है, जिससे गांव में ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाएं मिल सके। ऐसे ही जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कुम्हारी पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र को वेलनेस सेंटर के रूप में अपडेट कर दिया गया, लेकिन अब ग्रामीणों को इसके शुरू होने का इंतजार है। नहीं, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। हमारा काम तो ओके हो गया है, पूर्ण हो गया है। जो भी काम था पूर्ण हो गया। कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दी कि अपना काम पूर्ण हो गया है, मगर अभी उद्घाटन नहीं हुआ है उसका, इंतजार है। नहीं, अभी नहीं, जो पुराने पदधारी है वो है, उम्मीद तो है करके कलेक्टर साहब ने बोले कि पद स्थापना करेंगे, मगर अभी हुई नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ दिलवाने के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाती है, लेकिन किसानों को इसका कितना लाभ मिल रहा है, इस बात की वानगी परसवाड़ा विधानसभा में दिखाई देती है। कुछ रोज पहले ही किसानों ने बैलगाड़ी से परसवाड़ा तहसील मुख्यालय पहुंचकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि उन्हें एक वर्ष बीत जाने के बाद भी समर्थन मूल्य पर धान बिक्री का पैसा नहीं मिला है। यदि शासन ने जल्द ही उनकी सुनवाई नहीं की तो आगामी समय में वे उग्र आंदोलन किया जाएगा। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे बताते हैं कि पिछले विधानसभा सत्र में ही उनके द्वारा इस मामले को उठाया गया था, तो शासन ने उन्हें गलत जानकारी दी और कहा कि समर्थन मूल्य धान खरीदा का पूरा भुगतान हो चुका है। बावजूद इसके कि परसवाड़ा के किसानों ने कुछ दिन पहले ही इस बात की परेशानी को देखते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है, यदि जल्द से जल्द किसानों का भुगतान नहीं किया जाता तो परसवाड़ा में उग्र आंदोलन किया जाएगा। दो दिन पहले हमारे आम किसान, वहाँ पर कोई नेता जनप्रतिनिधि नहीं थे, आम किसान जिनको ये परेशानी हुई है वो अपने गाड़ी बैल लेकर पे लेकर आए और उन्होंने धरना किया। पिछले समय जब मैं विधानसभा में प्रश्न लगाया था तो सरकार ने मुझे ये जवाब दी कि बालाघाट जिले में हमने जो धान खरीदी किए हैं वो धान 1750 रुपये के रेट से खरीदे, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा। लेकिन जब हमने उनको जानकारी दिया कि आपने 1750 रुपये में खरीदी नहीं की हो और उसके लिए हमने जांच लिखा, जांच कमेटी भी बनी है उसकी, लेकिन अभी तक के जिन्होंने ये कृत्य किया, क्योंकि 1400 रुपये में उन्होंने किसानों को पेमेंट किया और धान को उन्होंने व्यापारियों को बेच दिया। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गांगुल पारा जलाशय को दोबारा पर्यटन स्थल के रूप में शुरू करने के आदेश हुए थे। 1 नवंबर 2019 की तारीख तय हुई, लेकिन तारीख आगे निकल गई और सुविधा जस की तस बनी हुई है। गांगुल पारा को दोबारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की जानकारी मिलने पर कुछ पर्यटक यहां पहुंचे जरूर, लेकिन उन्हें यहां पर निराशा हाथ लगी। जो पहली बार आए उन्हें यह बताया गया था कि यहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, पर जब यहां वे पहुंचे तो यहां सब कुछ झूठ निकला। नहीं, इससे पहले मैं कभी नहीं आया था, सिर्फ नाम सुना था। क्या देखा यहाँ पे आपने? बस कुछ तो सुविधा कुछ भी उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, तो जैसे कि कैंटीन हो गया, घूमने के लिए बोट वगैरह और कुछ सुविधा बाहरी, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ऐसी उपलब्ध कुछ भी सुविधा नहीं है। इससे पहले मैंने सुना था जब भी गांगुल पारा का भाव, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा होगा, घूमने फिरने के लिए फुल सुविधा होगी, ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ।
आपको गांगुलपारा में अभी? यहाँ तो पहले से कुछ भी अंतर नहीं लग रहा, पहले वोटिंग चालू होती थी, अब इस बार वोटिंग चालू नहीं है। कम से कम 2 से 3 साल हो गए वोटिंग बंद चुके हैं। बंद चुके। कैंटीन की सुविधा होना चाहिए, वोटिंग की बहुत सारी सुविधा होना चाहिए घूमने फिरने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। वर्षों से गांगुलपारा स्कूल में शिक्षक के तौर पर सेवाएं देने वाले संजय बंसोड़ बताते हैं कि रोजाना गांगुलपारा भ्रमण करने के लिए लोग यहां आते हैं। वे भी कहते हैं कि जनता की जो मांग है उसके अनुसार शासन को विकास कार्य करना चाहिए। नहीं पाया आप लोगों को? अभी तक तो मुझे जानकारी जहाँ तक है अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हालांकि लोग देखने यहाँ पर आते हैं, झरना देखने वगैरह। सर ये तो अच्छा दार्शनिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, और यहाँ थोड़ा सा सुविधाएं बढ़ जाए तो लोग आएंगे और इनकम भी गवर्नमेंट को, जैसे बोटिंग वोटिंग शुरू अगर करवा देते तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने, कई बार हम लोग यहाँ से जाते हैं स्कूल तो काफ़ी लोग मिलते हैं हमें बाहर वाले। सर क्या मांग करना चाहते हैं शासन से आप? सर शासन से जो जनता चाहती है, जो उनके लिए अच्छा हो, वही बस मांग है। गांगुलपारा जलाशय के माध्यम से रोजगार का इंतजार कर रहे गांव के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उसका जीर्णोद्धार होगा, पर्यटकों की संख्या कब बढ़ेगी और उन्हें रोजगार कब मिलेगा। कुछ भी नहीं मिला आज तक, बोल तो दिए पर अभी तक कुछ भी रोजगार नहीं मिला। रोजी रोटी के लिए वही है उत्पादन में, जो बांस खूब कटते हैं, लकड़ी खूब कटते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ काटो पीटो, मेहनत महीना 15 दिन में पासिंग होता है, उसके बाद पेमेंट आता है। अभी तो बहुत ही दिक्कत है, ऐसा छोटा सा पगडंडी है, वहीं से हम लोग आना जाना करते हैं। मिलेगा उससे तो फायदा, रोजगार मिलेगा। गांगुलपारा जलाशय से भ्रमण के करीब आधे घंटे बाद हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने जल्दी उसके पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की उम्मीद, कुछ जगह रखने की बात करते हुए बताया कि कैंटीन के लिए लोन पास हो चुका है और जल्द ही कैंटीन की सुविधा पर्यटक को मिलने लगेगी। नहीं वो तो प्रोसेस चालू है ना अभी, क्या कि वो कैंटीन का जो बोलते हैं कमरा बन रहा है, वो कमरा बनना है, चालू है वो सब, जैसे कि सामान का ऑर्डर दे दिए हैं तो अभी 1 सप्ताह बाद कैंटीन स्टार्ट हो जाएगी। और 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था, ये हुआ कि नहीं हुआ? 1 नवंबर से नहीं हुआ, नहीं बोटिंग स्टार्ट तो नहीं हुई है, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी। वन विभाग ने अपनी घोषणा के अनुसार 1 नवंबर से गांगुलपारा जलाशय अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति कर दी, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को उनकी मदद मिल सके। 15 तारीख से। अच्छा वैसे 1 नवंबर से ड्यूटी है। अच्छा अच्छा, ये बताइए 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था गांगुलपारा, क्या स्टार्ट हो पाया क्या? अभी तो नहीं हो पाया साहब। क्यों नहीं हो पाया, कुछ जानकारी हो गया? इसकी कोई जानकारी नहीं है हमें। तो अभी आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जैसे अंदर जो लोग जाते हैं उनकी हम एंट्री करते हैं और बाइक और गाड़ियाँ फोर व्हीलर वगैरह यहीं पे लगवाते हैं हम लोग। अच्छा, अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई? हाँ, अंदर जाने की अनुमति पर पैदल। अच्छा पैदल जी। अच्छा ये बताइए कितना पैसा ले रहे हैं इन लोगों से आप? पर व्यक्ति 10 रुपये है और बाइक का है 25 रुपये। 25 रुपये जी। अच्छा ये बताइए कि कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है यहाँ पे? 4 कर्मचारियों की ड्यूटी है। अच्छा कौन कौन? मैम है 3, मैं 4। क्षेत्र के जनपद सदस्य भूरू पटेल बताते हैं कि शासन के द्वारा 1 नवंबर से गांगुलपारा को पर्यटन स्थल के रूप में शुरू किए जाने की घोषणा की गई थी, जो पूरी की पूरी फाइलों में दिखाई देती है। ना बोटिंग शुरू हुई और ना ही पर्यटकों के लिए कैंटीन। वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द शासन अपनी घोषणा को पूर्ण करे जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों को लोगों के साथ भ्रम फैलाने या झूठ फैलाने का काम जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी हम हमारे बड़े जो मंत्री लेवल के लोग हैं या बड़े अधिकारी, उनसे बात करता हूँ मैं इस मैटर में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और ये तो ये अपने भी उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है ऐसा करके। रोजगार हमारा उद्देश्य मेन यही था कि वो अच्छी जगह हो जाए, वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बन जाए, वहाँ पर बोटिंग चालू हो जाए, तो हमारे कुछ आदिवासी जो क्षेत्र के लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको रोजगार मिल जाता, तो उसी कारण से हम लोगों ने इतना प्रयास करा। आगे भी इसी वजह से हम लोग प्रयास रहेंगे कि वहाँ पर जो है लोगों को रोजगार जो है मिले, किसी भी स्तर के कैंटीन को लेके हो, साइकिल स्टैंड को लेके हो, बॉडी को लेके हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसको लेके हो, तो हमारे क्षेत्र का जो है उसे विकास भी होगा और हमारे क्षेत्र में पलायन भी कम। 8 दिसंबर को शहर के कमला नेहरू सभा भवन में माली फुलमाली समाज के द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान 10वीं और 12वीं सहित महाविद्यालय में 75% अंक लाने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। इसी कड़ी में शादी योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहे। क्या लाया हूँ? ये किताबें किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए। तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था कि तुम पढ़ोगी, बस आज से तुम्हारी पढ़ाई चालू।
पर आसपास के लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, बड़ी बदनामी होंगी। औरतें घर का काम करती हुई शोभा देती है, कुछ पढ़ी लिखी होती तो मेरी बात में बात समझ आ जाती। अनपढ़ की अनपढ़ गवार तो है ये हमारा बाबू, ठीक तो है ना? हमारा ये वार्षिक सम्मेलन है, ये इष्ट मिलन समारोह भी है और साथ में नवयुवक युवती परिचय सम्मेलन भी है। और इसमें समाज के हम लोग जो बच्चे 10वीं 12वीं में 75% से अधिक अंक वाले हैं उनको समाज की ओर से सम्मानित करते हैं। साथ ही 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में जो समाज के टॉपर बच्चे होते हैं उनको मैं अपनी ओर से क्रमशः 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 पुरस्कृत करता हूँ उनका परिवार की ओर से। और हम लोग प्रयास कोशिश कर रहे हैं कि साल में एक बार पूरे 84 गांव में जो समाज फैला है वो एक जगह इकट्ठा हो और हम लोग आपस में चर्चा करें और अपने समाज के विकास की बात करें। शहर के स्थानीय बीआरसी कार्यालय सभागार में लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा एक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित कर्मचारियों के द्वारा आगामी समय में कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने सहित अन्य बातों पर सहमति और रूपरेखा तैयार की गई। आज लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला बालाघाट की बैठक रखी गई जिसमें हमारे पदाधिकारी उपस्थित थे और जिले के समस्या हेतु या विचार विमर्श हेतु बैठक रखी गई है जिसमें वाराणसी, लालबरा, कटंगी सभी पूरे जिले से पदाधिकारी। क्या रणनीति बनाई जा रही है? आगामी रणनीति हमारे कुछ भाई लोग की परेशानी समस्या है, किसी को मानदेय विधानसभा का आज पर्यंत नहीं मिला और आगे ज्ञापन सौंपना कलेक्टर महोदय के और आगामी रणनीति की बनाई जा रही है बैठक। 8 दिसंबर को शहर के बारासुनी रोड स्थित वीरांगना अवंतीबाई सभागार में आदिवासी हलबा महासभा मध्य प्रदेश का अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कई जिलों से सामाजिक गण उपस्थित रहे। उपस्थित जनों ने बताया कि अधिवेशन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य न्यायालय के द्वारा हलबा समाज को आदिवासी समाज से अलग करना और शासन से मिलने वाली सभी सुविधाओं में कटौती का विरोध करना है। हमारा जो आदिवासी समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है, उस व्यवस्था में ऐसा लगता है कि हमारा आदिवासी समाज चाहे हमारा ही हलबा ही नहीं, आदिवासी समाज क्यों ना हो, अन्य समाज, अन्य आदिवासी समाज भी है, हम संक्रमण काल से जो है गुजर रहे हैं। यदि 1947 से लेकर के बहुत संक्षिप्त में कहूँ तो याद कीजिए आज 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुआ, आज सन 2019 है, लगभग 69 साल तो संविधान को लागू हुए हो गए। अधिवेशन का मूल उद्देश्य है कि जो समाज के विरुद्ध हलबा समाज के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें घुसपैठ हो रही है, दूसरे जातियों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है और यहाँ का आरक्षण समाप्त करने की एक षड्यंत्रकारी नीति है, उसके तहत एक चिंतन बैठक है, कार्यशाला है, उस पर निराकरण करना है कि जो किस प्रकार ये षड्यंत्रकारियों को यहाँ से पृथक करना है और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार का जो डिसीजन है उसके ऊपर एक निराकरण करने के लिए चर्चा है। समाज को जागृत करना है, संविधान को बचाना है और कानून के तहत जो हमको आरक्षण का जो लाभ है वो नियमित मिलना चाहिए। यदि इस षड्यंत्र के तहत हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का गलत इन लोगों ने इस्तेमाल करते हुए मतलब जो है उसको जो है इन्हें सर्कुलेट किया है जिसके कारण से हमारे समाज के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आयोग हैं या जो उनसे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जो सर्विस कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है मतलब कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो गई हैं जो गलत है। जिला क्षत्रिय कलचुरी कलार समाज के तत्वाधान में आज नगर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसके तहत नगर के अम्बेडकर चौक स्थित सहस्त्र बाहु द्वार का विधि विधान से लोकार्पण हुआ। वही गायखोरी स्थित मंगल भवन का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के पश्चात सहस्त्र बाहु मंदिर प्रांगण में भव्य समारोह हुआ जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे सहित समाज संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज प्रमुख अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि समाज के विकास में एकजुटता एक प्रमुख विषय है, जो समाज एकजुट होता है वह विकास की ओर अग्रसर होता है। कलार समाज विकास की धारा में आगे बढ़ रहा है, बस यह प्रगति निरंतर जारी रहना चाहिए।
कि हम सब लगातार जो प्रयास कर रहा है कि हम समाज के लोगों को जागरूक करें, समाज के लोगों को हम समय के साथ चलने के लिए प्रेरित करें, समाज के लोगों को हमारे जो अन्य समाज के लोग हमारे से अगर किसी क्षेत्र में आगे चल रहे हैं तो हमारा प्रयास होता है कि हम उन समाज के बराबर भी अपने समाज को ले जाने का प्रयास करें और इसके लिए एक समुचित प्रयास करने की आवश्यकता थी और जिसको हमने काफ़ी पहले से जब वाराणसी में हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया था, मैं उस समय विधायक था और आप सबको जानकारी है कि उसके अलग हमने वाराणसी से चलाई। आज वाराणसी में जहाँ हमारे पास 51 डिसमिल जमीन है जिसको मैंने अपने पिताजी स्वर्गीय अनंतलाल जायसवाल के नाम पर समाज को दिया था, आज जिले का पहला भवन भी वाराणसी में बना और सुनाते मैंने। पूर्व मंत्री एवं बालाघाट के विधायक ने इस विषय में कहा कि कोई भी सरकार हो लेकिन समाज के विकास में कभी बाधा नहीं बनती और कलार समाज जिले में तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर है और इस समाज के एकजुटता के कारण ही है कि आज यह बदलाव नजर आ रहा है, जिसके लिए समाज बधाई का पात्र है। सरकारों के और संस्थाओं के सहयोग से तो काम खड़ा होता है लेकिन समाज यदि आगे आ जाए और प्रथम बिंदु पे उनमें उत्साह के वातावरण में विश्वास भरे वातावरण में काम करने की लालसा रहे उसका बड़ा उदाहरण हम अपने प्रवेश द्वार को दे सकते। मुझे याद है जब भूमि पूजन कर रहे थे और उस समय में सब लोगों ने एक मत तय किया कि नहीं इस काम का दायित्व हम समीर जायसवाल जी को देंगे। उनकी पूरी टीम ने उसी स्थान पर सभी सहयोगी मित्रों से सहयोग राशि की नकल। वहीं अन्य वक्ताओं के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त की गए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं का मंच के माध्यम से पुरस्कृत किया गया और कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। वहीं इस संदर्भ में संगठन के जिलाध्यक्ष अमृतलाल धुआरे ने कहा कि समाज के सहयोग से आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सामाजिक बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। वहीं संगठन पदाधिकारी शमरी जायसवाल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। कला समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए जिसमें सर्वप्रथम कला समाज के युवाओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई है, उसके बाद 12 बजे हमारे कला समाज द्वारा निर्मित प्रवेश द्वार का इनॉग्रेशन किया गया है। हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल जी और गौरीशंकर बिशेन जी द्वारा, उसके बाद हमारे समाज को दान दी गई भूमि में भवन निर्माण के लिए भूमि दान दी गई है, उसका भूमि पूजन किया गया है। उसके बाद में सभी आए हुए बाहर से हमारे मेहमानों का यहाँ पे स्वागत किया गया है और उस स्वागत में अभी जो कार्य चल रहा है समाज का बहुत जी भाव। ऐसा मुझे बताया गया, मुझे जानकारी नहीं थी लेकिन बताया गया बुजुर्गों द्वारा कि शस्त्र भाव प्रवेश द्वार मध्य प्रदेश का पहला द्वार है और इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई और इसमें सभी लोगों का मुझे सहयोग मिला, समाज के सभी लोगों का, मैं अकेला नहीं था इसमें इन्वॉल्व, मुझे समाज के सभी लोगों का, बड़े बुजुर्गों, हमारे अध्यक्ष महोदय अमृतलाल दुवारे जी का भी सहयोग मिला, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे जी का इसमें सहयोग मिला और समस्त दानदाताओं का भी मुझे इसमें सहयोग मिला। पूर्व मंत्री एवं बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिशेन आज जिला अस्पताल में दुष्कर्म के शिकार हुई पीड़ित मासूम से मिलने पहुंचे जहां उन्होंने चिकित्सकों से चर्चा करते हुए उन्हें बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री श्री बिशेन ने कहा कि यह एक शर्मनाक घटना है, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले आरोपी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमें यकीन है कि कानून इस प्रकार के अपराध करने वालों को फांसी की सजा देगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने एसपी से चर्चा की है और कहा है कि वहीं इस केस को देखें और किसी प्रकार की त्रुटि इस केस के मामले में नहीं होनी चाहिए। ये घटना बहुत घृणित है, निंदनीय, अत्यंत शर्मनाक है और जिसने दुष्कृत किया है उसको जो कानून निसंदेह फांसी के फंदे पहुंचाएगा। 5 साल की मासूम के साथ में जो दुष्कृत हुआ है उसकी घटना की जानकारी गांव वालों के माध्यम से श्रीमती रेखा बिशेन को मिली, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, उन्होंने अस्पताल में बात करके उनको यहाँ भर्ती कराया और यहाँ पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की लाइन तय किया। बच्ची का स्वास्थ्य तो ठीक है, उसकी माँ से मैंने जानकारी ली, हमारे यहाँ के जो डॉक्टरों के स्टाफ से जानकारी लिया है और मैंने आज पुलिस अधीक्षक से भी कहा कि स्वयं आप डायरी को देखें,
कि किसी तरह की कोई त्रुटि न हो। रविवार को पुलिस की वाहन चेकिंग से बचने के लिए एक व्यक्ति बड़े पुल से रास्ता बदलकर छोटे पुल होते हुए बालाघाट की ओर आ रहा था। इसी दौरान छोटे पुल पर गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वह सीधे नदी में गिर गया। समय रहते स्थानीय जनों ने सूझबूझ दिखाई और पानी में डूब रहे व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया। इस पूरे मामले पर छोटे पुल से गिरने वाले व्यक्ति ने बताया कि पुलिस के द्वारा चेकिंग किए जाने से परेशान होकर वह छोटे पुल से जा रहा था। वो सामने वो पुलिस वाले पकड़ रहे थे। क्यों पकड़ रहे थे पुलिस वाले? वो सब चेकिंग कर रहे हैं। तो उनके डर के मारे से इधर से आए, सब गाड़ी जा रही थी तो हमने बोले चले यार हम भी इधर से आ रहे। हम मैयत में गए थे आरम्भ। तो कहां नदी में गिर गए? हां नदी में। गाड़ी सहित हो गई जी? हमारा लड़का गाड़ी सहित गिर गया, वो कमर में लगा। तो पीछे लगी थी क्या? नहीं जी, मैं पैदल आ रहा था वहां से। लगाया क्या उनको? हां इनको लगा दी। इस पूरे मामले में पुलिस चेकिंग कर रहे जवान व अधिकारी बचते दिखाई दिए और तत्काल चेकिंग बंद कर वहां से चले जाना ही उचित समझा। वाराणसी नगर में स्थित सामुदायिक भवन में 8 दिसंबर को एरेंडेले तेली समाज संगठन वाराणसी जिला बालाघाट के तत्वाधान में जिला स्तरीय संत जगनाडे महाराज की जन्म जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तेली समाज जिला अध्यक्ष पूरनलाल कोल्ले, वाराणसी अध्यक्ष अनिल देवहारे, डीडी कोलते, सूरजलाल करकाड़े, रोमन लाल देवहारे, मानक नागेश्वर, तिलक करकाड़े, युवराज देवहारे, नरेश तरारे, शंकर कोलते की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। उपस्थित जनों ने समाज के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने, सभी सजातीय बंधुओं को अपने घर के बच्चों को शिक्षित बनाना होगा तभी समाज का मूल मायने में उत्थान हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिससे अमीर गरीब छोटा बड़ा ये सभी प्रकार का समाज व्यक्ति अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त कर सकता है। संत जगनाडे महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर एंड्रेले तेली समाज संगठन के द्वारा मंचीय कार्यक्रम के पश्चात संत जगनाडे महाराज की शोभा यात्रा डीजे की धुन पर निकाली गई, जो नगर के दीनदयाल चौक, बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए पुनः सामुदायिक भवन पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। हमारे परम पूजनीय संत शिरोमणि जगनाडे महाराज जी की जयंती है, जिसके भी पूजा अर्चना चालू है। तत्पश्चात एक नगर में रैली निकलेगी, उसके पश्चात सभी बाहर से आए हमारे जाति बंधुओं का भोजन होगा। इस अवसर पर स्वजाति बंधु को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि एकता में ही शक्ति है, अगर संगठित करना, एक दूसरे संबंध बनाए रखना, एक साथ रहना कुटुंब परिवार में। क्या है, दूर दूर में रहते हैं, कभी कभी मिल पाते हैं, इसलिए क्या है ऐसे कार्यक्रम सामाजिक। वाराणसी नगर में स्थित देवधर क्रिकेट क्लब ग्राउंड में 8 दिसंबर को देवधर क्रिकेट क्लब की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक देवधर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारी पूर्व खिलाड़ियों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें आगामी समय में देवधर क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने, कार्यक्रम स्थल पर विशेष रूप की तैयारियां किए जाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर देवधर क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी सदस्य सहित पूर्व खिलाड़ी मौजूद रहे। वर्ष 2019-20 का देवधर टूर्नामेंट करवाना था, इस संबंध में हमारे खनिज मंत्री माननीय गुड्डभिया के निर्देशानुसार हम देवधर क्रिकेट क्लब के सभी सदस्यों की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें जनवरी 2020 में जो देवधर टूर्नामेंट करवाना है उसके संबंध में विचार विमर्श था। क्या विचार विमर्श किया गया? ये किया गया है कि जनवरी फर्स्ट वीक में देवधर टूर्नामेंट करवाना है, और इस वर्ष जो है जैसे पिछले वर्ष के टूर्नामेंट में हमारे यहाँ पे लगभग 7 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी खेले थे टूर्नामेंट में, इस वर्ष कुछ और दूसरी टीमों को जो अच्छी टीमें हैं विदर्भ से, महाराष्ट्र से, महाकसौल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से भी टीमें बुलवाने का है। नगर के बैयर चौकी स्थित अपोलो स्कूल में आज एमआर यूनियन संगठन की 21वीं वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में वर्ष भर का ब्यौरा पेश किया गया। इसके अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ी विभिन्न समस्याएं एवं मांगों पर विचार किया गया। संगठन के सचिव रूपेश बिसेन ने बताया कि एक वर्ष में इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। हम लोगों ने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग अरेंज किया हुआ है, जो कि हमारे साल में एक बार होती है, और इसमें हम जो भी हमारे ब्यौरा रहता है साल भर में जो भी ब्यौरे रहते हैं उसका हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमारे स्टेट से 2 कॉमरेड आए हुए हैं, सीनियर कॉमरेड एस के तालुकदार जी और कॉमरेड सलील शुक्ला जी,
ये दोनों का भी अभी उद्बोधन हुआ है। इन्होंने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर जो भी हमको संघर्ष करना पड़ता है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। और साथ ही हमारी कुछ मांगे भी हैं, जैसे 8 आवर्स वर्किंग, 8 घंटे वर्किंग और फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट। जो अभी 8 दिसंबर को शहर के नूतन कला निकेतन सभागार में अखिल भारतीय गढ़वाल समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंचे सदस्यों ने बताया कि गढ़वाल समाज के युवाओं के द्वारा इसका आयोजन किया गया, जिसमें देश के सभी राज्यों से गढ़वाल समाज के सदस्य उपस्थित हुए और सभी एकजुट होकर काम करने की बात को स्वीकार की। क्योंकि हमारे समाज में जो युवा युवती हैं शादी योग्य, उनके आपस में एक दूसरे का परिचय हो, उस परिचय से आगे उनके रिश्ते बने और हमारे समाज की जो संस्कृति आई है अपने घर में अरेंज मैरिज का, उसको ही आगे बढ़ाते हुए ये किया गया। और चूँकि हमारा समाज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, वो समाज भी आपस में एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे से मिले, हमारे बच्चे हमारी संस्कृति समझे, इन सभी उद्देश्यों को लेते हुए यह कार्यक्रम किया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनवीरी स्थित गढ़वाल समाज मंगल भवन में गढ़वाल चेतना मंच के तत्वाधान में 8 दिसंबर को गढ़वाल समाज का ब्लॉक स्तरीय वार्षिक उत्सव व युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य, गढ़वाल चेतना मंच ब्लॉक अध्यक्ष लेखीराम हरिंद्रवार की अध्यक्षता एवं गढ़वाल समाज के प्रमुख पदाधिकारियों व वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अतिथियों के हस्ते समाज सेवी, वरिष्ठ जनों, शासकीय सेवानिवृत्त स्वजाति शिक्षकों का शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही मरणोपरांत देहदान के संकल्पकर्ता पनवीरी निवासी लक्ष्मी प्रसाद बनवाले का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। अभी मैं कलेक्टर जन भागीदारी के पैसे का प्रस्ताव भेजा, हिंदुआ जी को मालूम है 2.5 लाख रुपए मिलना था खजाने में पैसे ही, अब इन्होंने सरकार से पैसा आएगा इस पे काम कर लिया। बोले कैसा करूं, मैंने कहा लाया मैं भी कुछ रेत में तेल निकालता हूं, और 50,000 रुपए उनके लिए मैंने सेंक्शन किया 5 खास। अब भैया जिनके नाम से पैसे बांधते थे ना, एक बस बोलोगे हमारी तो समाज से दिए गए पैसे आपको लोगों ने जिनके नाम दिए थे उनके, ऐसा करके धीरे धीरे बोलते ना कछुए की रफ्तार से सारा काम हो जाएगा, अच्छा काम खड़ा करेंगे। और ये पक्का मानो, आप मुझे कितना मानते हो आप जानो, लेकिन मैं तो इसको अपना परिवार मानता हूँ, इस पूरे गढ़वाल समाज को। पच्चीस दिसंबर क्रिसमस के पूर्व मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट महिला मंडल के द्वारा वृद्ध आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। मेथोडिस्ट चर्च महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती मसी ने बताया कि इस अवसर पर मसी समाज की सभी महिलाएं उपस्थित रही और क्रिसमस के पूर्व ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। हम लोग क्रिसमस की खुशियां जो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उपहार स्वरूप हमारे लिए दे दिया, उस खुशी को बांटने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हम लोग उस खुशी को छोटे छोटे गर्म कपड़े उपहार में दे करके इस वृद्ध आश्रम में वृद्धों को दे करके उन खुशियों को मना रहे हैं। और हम यही कामना करते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो स्वस्थ रहें और आगे को भी इनके जीवन जो है वो लंबी उम्र हो। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमको मैडम ने यहाँ पर आने की परमिशन दी, सबके साथ मिल करके हमने उपहार दिया, और अब सबके साथ हम लोग घर से लाए हुए भोजन को इनके साथ वितरित करके इनके साथ खाएंगे, इनके साथ आनंद मनाएंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। बारासोनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपाली में स्थित श्री राम हाई स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन 8 दिसंबर को किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता व सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसके अंदर जो रुचि है उसमें आगे बढ़ने का काम करें, साथ ही नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी, जो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। हमारी पर्सनालिटी सिर्फ किताबी ज्ञान से संभव नहीं है, हो सकता है कि आप 99% डालें, 99% डालने के बाद भी आपकी पर्सनालिटी नहीं बन सकती, पर्सनालिटी बनेगी आपके व्यवहार से, आपकी नैतिक शिक्षा से।
जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हट्टा पंचायत में रविवार को बावली के निकट एक बैठक का आयोजन किया गया। हट्टा बावली के अध्यक्ष ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 1 जनवरी से बावली में सामाजिक कार्यक्रम के तहत विभाग सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए यह बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये हमारे यहाँ सामाजिक कार्यक्रम होता है, इसमें 1, 2, 3 जनवरी से तक के यहाँ विवाह होते हैं, शादियाँ होती हैं सामूहिक, और हमारे संस्कृति में कार्यक्रम किए जाते हैं और उसका संचालन किया जाता है ताकि समाज को एक नई दिशा मिले। और कार्यक्रम में मंच का काम कार्यक्रम होता है, ज्योत प्रज्वलित होती हैं, 365 कलश प्रज्वलित किया जाता है। 1 जनवरी को बड़ा देव की पूजा की जाती है हमारे सुबह की, और 2 जनवरी को विवाह का कार्यक्रम होता है, और 3 को समापन किया जाता है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बालाघाट से डरा मलेरिया, 5 वर्ष में 90% कम हुए आंकड़े। जागरूकता और सफाई को बताई जा रही है बड़ी पहल। अज्ञात कारणों से युवक की मौत, लालबरा की अमोली समनापुर मार्ग की घटना। हलवा समाज के अधिवेशन में उठी आवाज, आदिवासी समाज से बाहर निकालने पर हुआ विरोध और मंथन। रबी फसल से पूर्व किसानों के लिए अच्छी खबर, जलाशयों में भरपूर पानी, दूर होगा सिंचाई का संकट। पुलिस चेकिंग से बचने बदला रूट, छोटे पुल से नीचे गिरा मोटरसाइकिल चालक। जिला क्षत्रिय कलचुरी समाज के द्वारा किया गया सहस्त्र बाहु द्वार का लोकार्पण। गांगुलपारा जलाशय पर्यटन स्थल में सुविधाओं के लिए तारीख की घोषणा, नहीं हो रहा है अमल। और दुष्कर्म पीड़ित बालिका से बालाघाट विधायक ने की मुलाकात, आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की कही बात। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.